खबर गुलाचिका से है। ग्रामीण क्षेत्र में चोरों का आतंक लगातार जारी है। किसानों के लाखों रुपए के दुधारू पशु हुए चोर। बीते रात गांव चाबा में दो पशु व गांव बताखेड़ा लुकमान में एक पशु चोरी, जिसकी कीमत लगभग लाखों रुपए बताई जा रही है। पुलिस प्रशासन ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लोगों ने बताया कई दिनों से ग्रामीण क्षेत्र में चोरों का आतंक लगातार बढ़ता ही जा रात को वह आते हैं और गांव में जाकर लोगों के दुधारू पशु खोलकर ले जाते हैं। लोगों द्वारा पुलिस प्रशासन से मांग की गई है कि रात को गश्त बढ़ाई जाए और चोरों को पकड़ जेल के सलाखों के पीछे कर दिया जाए, ताकि क्षेत्र में चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। प्राइम वीकेंड न्यूज़ चैनल के लिए गुरदीप चाबा भोलाची। सर बात ऐसी है, रात तकरीबन 2 बजे 2:15 बजे के करीब गांव चाबा से दो भैंसे चोरी हुई हैं। ये बहुत ही मतलब के निंदन जो घटना है, और हम प्रशासन से भी पूर्ण अपील करते हैं कि हमारी जो ये वारदातें हुई हैं इनके ऊपर थोड़ा गौर की जाए, क्योंकि गरीब किसान हैं, गरीब मजदूर हैं, बहुत मुश्किल से जो अपना गुजारा कर रहे हैं, तो उनके पास कुछ इतना साधन भी नहीं होता। हम बार बार आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन से यही अपील करते हैं और उम्मीद भी करते हैं कि हमारा जो जो नुकसान हुआ है किसी ना किसी तरीके से कार्रवाई हो, जैसी जैसी भी जो कानूनी कार्रवाई हो पूरी कार्रवाई की जाए, ताकि आने वाले समय में भी जो है ये घटनाओं पर है जो रोक लाई जाए इसकी। हाँ, तो तकरीबन ट्रांसफार्मर लगा लो, तारे ला लो, मोटरों की होती रहती है। पता नहीं प्रशासन में कमी है, पता नहीं हम लोगों में कमी है। मतलब कि एक बार रिपोर्ट जरूर लिखी जाती है, उसके बाद उसको बंद कर दिया जाता है। पता नहीं क्या जो हमारे गद्दर के पार के एरिया है, हमें तो तकरीबन किसी भी सरकार से कोई भी किसी भी प्रकार की सहयोग जो हमें मिलता नहीं है पूर्ण तौर पर। पहले भी चाबा में से ब्लॉक जो रोड पर लगाकर खुशाल माजरे में से भी भैंसे चोरी का मामला आया सामने। हम तो प्रशासन से यही मांग करते हैं कि हमारी तरफ पुलिस ध्यान दें। जो हमारे गगर पार के गांव हैं, इनकी कोई भी सुनवाई नहीं है, तो हम तो प्रशासन से यही उम्मीद करते हैं और आस भी करते हैं कि प्रशासन कहीं ना कहीं अब इन जो गगर के पार का एरिया है इस पर जो चाहे तो जो मुलाजम की गिनती बढ़ाए यहाँ पर, क्योंकि मुलाजम भी गिनती के ही है, रात को जो इनकी गश्त है वो बढ़ाई जाए। हम तो यही उम्मीद करते हैं, प्रशासन से उम्मीद करते हैं और अपील भी करते हैं कि हमारे पर जो कार्रवाई की जाए इस कार्य पर। दो पशु चोरी हुए हैं जी, एक डेरे तो होया है जी, एक अपने घर के अगे अपना वाड़ा से उतो हो पशु। डेढ़ के महीने सो तो 2:30 बजे का टाइम से पूरा जी। मलकपुर तो कट्टा जिवें कि खुशाल माजरे तो मझा साडे पिंड तो ब्लॉक चुके गए भी, प्रशासन कोई भी 3-4 दिन लगातार चोरी होंदी, कोई भी प्रशासन का कोई सबूत नहीं मिले किसी।